सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 5 बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेकर के आया हूं दोस्तों, अंडर 10,000 की बजट रेंज में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो अंडर 10,000 का जो काफी टॉप नॉच स्मार्टफोन है दोस्तों, वही टॉप 5 मैं स्मार्टफोन ले आऊँ दोस्तों। बाकी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च, रिव्यू और एनालाइज के बाद ये टॉप 5 स्मार्टफोन लिया हूँ। तो आप भी अगर एक बेस्ट स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो, मिड रेंज स्मार्टफोन अंडर 10,000 का, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं टॉप 5 फ़ोन लिया हूँ। तो टॉप 5 का 5 फ़ोन को मैं रैंकिंग किया हूँ, तो सारे फ़ोन को मैंने प्राइस और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रैंकिंग किया हूँ, ताकि आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा सही हो दोस्तों। बाकी एक और बात बता दूँ दोस्तों, कि आप लोग अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और वीडियो से हेल्प मिलेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए करते वीडियो को स्टार्ट। तो टॉप 5 पे जो स्मार्टफोन है दोस्तों, वो है इन्फिनिक्स के तरफ से इन्फिनिक्स Note 12 4G फ़ोन दोस्तों, इन्फिनिक्स Note 12 4G, जो कि काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है दोस्तों। तो चलिए इसका भी हम करते हैं पहले बेसिक फीचर्स की बात, उसके बाद करेंगे मेन फीचर्स की बात। तो ये स्मार्टफोन फुल्ली पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है दोस्तों। तो प्लास्टिक का बॉडी और प्लास्टिक का फ्रेम इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ 7.5 mm इस फोन का थिकनेस है, तो काफ़ी पतला फ़ोन है। बाकी 184 ग्राम इस फोन का वेट है दोस्तों। डेडिकेटेड सिम मिल जाएगा आपको, ड्यूल स्टूडियो स्पीकर देखने को मिल जाएगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 मिल जाएगा दोस्तों, बाकी बेस्ट ऑन XOS 10। बाकी अगर इसका मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें आपको 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है दोस्तों। और 180 इसमें आपको टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाएगा, वाइड 175 है, और HDR कंटेंट इस पर आप प्ले नहीं कर पाओगे। बाकी अप टू 1000 nits इसमें आपको पिक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जिससे आउटडोर वगैरह में आप अगर ये फ़ोन यूज करोगे तो ब्राइटनेस का तो कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। बाकी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का इसमें आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो ओवरऑल इस बजट रेंज में इसका डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच है दोस्तों, डिस्प्ले के मामले में कोई डाउट नहीं है, टॉप नॉच है। बाकी अगर इसका हम परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो G88 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जो कि एक गेमिंग लेवल का प्रोसेसर है, तो इससे आप गेम वगैरह अच्छे तरीके से कर पाओगे दोस्तों। बाकी 12 nm पर यह प्रोसेसर बना हुआ है, और 2,30,000 इस फोन का M.2 स्कोर है। EMCP का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाएगा, LPDDR4X का रैम मिल जाएगा, और अप टू 3GB वर्चुअल रैम आप बढ़ा सकते हो। बाकी अगर इसका हम कैमरा की बात कर लेते हैं, तो पीछे की तरफ में आपको 3 कैमरा देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ये स्मार्टफोन ट्रिपल रियर कैमरा के साथ आता है, जिसमें से आपको मेन कैमरा 50 MP का मिल जाएगा, जिसमें सेंसर लगा हुआ है सैमसंग का JN1 का। बाकी 2 MP का डेप्थ सेंसर मिल जाएगा, और एक और मिल जाएगा जो कि AI लेंस है दोस्तों। और बैक कैमरा से आप 2K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पे। बाकी सेल्फी कैमरा में आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जो कि यूनिच के साथ आता है, और सेल्फी कैमरा से भी आप 2K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पे। इसका अगर हम बैटरी की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको 5000 mAh का बैटरी मिल जाएगा, उसके साथ साथ 33 W फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। 1 से 1.5 घंटा के अंदर ये स्मार्टफोन ईजिली फुल चार्ज हो जाएगा, और अप टू 1 डे बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो ओवरऑल ये स्मार्टफोन डेली यूजेस के लिए भी बेस्ट है, बाकी गेमिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। तो आप अगर डेली यूजेस के लिए लेना चाहते हो, कंटेंट वाचिंग के लिए, या फिर गेमिंग वगैरह के लिए, अच्छा कैमरा के लिए, तो ये स्मार्टफोन को आप परचेज कर सकते हो दोस्तों। इसका बेस वेरियंट जो है 4+64, वो आपको 9999 की प्राइस रेंज में मिल जाएगा, और 6+128 11,500 का प्राइस रेंज में मिल जाएगा दोस्तों। तो दोनों वेरियंट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, तो आप जरूर से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। बाकी टॉप 2 पे जो स्मार्टफोन है दोस्तों, वो सैमसंग के तरफ से ही स्मार्टफोन है, सैमसंग गैलेक्सी F13 दोस्तों। तो इसका भी अगर हम पहले बेसिक फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो ये स्मार्टफोन फुल्ली पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है दोस्तों। मीन प्लास्टिक का बॉडी देखने को मिल जाएगा, और प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिल जाएगा दोस्तों। 9.3 mm इस फोन का थिकनेस है, तो हल्का मोटा फोन है। बाकी 207 ग्राम वेट है इस फोन का, तो काफ़ी भारी भी है दोस्तों। इसमें आपको 6000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है, जिसको लेकर के ये स्मार्टफोन थोड़ा भारी है दोस्तों। बाकी डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा, तो 2 4G सिम और 1 SD कार्ड आप इजीली लगा सकते हो। सिंगल बॉटम स्पीकर देखने को मिल जाएगा, उसके साथ साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 12 मिल जाएगा, और उसके साथ साथ 2 ईयर्स का इसमें आपको मेजर अपडेट भी देखने को मिल जाएगा, और 3 ईयर्स तक का सिक्योरिटी पैचअप अपडेट भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। सैमसंग का फोन है, तो ऑटो कॉल रिकॉर्ड इसमें आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों।
बाकी अगर इसका हम मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 6.6 इंच का फुल एचडी प्लस पीएलएस का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जो कि एलसीडी टाइप का ही डिस्प्ले है। बाकी 60 हर्ट्ज का एक नॉर्मल रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा और 180 का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। वाइड वन सर्टिफाइड है। बाकी अप टू 500 निट्स का पिक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा दोस्तों। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच है दोस्तों, डिस्प्ले के मामले में कोई डाउट नहीं है। बाकी अगर इसका हम परफॉर्मेंस की बात कर लेते तो इसमें आपको सैमसंग का ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि एक्यूनॉस का 850 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जो कि 8 नैनोमीटर पे बना हुआ है। 140,000 इस फोन का एमटूटू स्कोर है और EMMC 5.1 का स्टोरेज टाइप दिया हुआ है। बाकी LPDDR4 एक्स रैम मिल जाएगा और अप टू 4GB वर्चुअल रैम आप बढ़ा सकते हो। बाकी अगर इसका हम कैमरा की बात कर लेते हैं तो रियर साइड में 3 कैमरा देखने को मिल जाएगा, ट्रिपल रियर कैमरा के साथ ये स्मार्टफोन आता है दोस्तों, जिसमें से 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा, जिसमें सैमसंग का ही सैमसंग JN1 का सेंसर लगा हुआ दोस्तों। बाकी 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाएगा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो फोटो देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो बैक कैमरा से आप 1080p पर 30fps वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी सेल्फी में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, तो सेल्फी कैमरा से भी आप 1080p पर 30fps वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इस कैमरा से डे कंडीशन में आप अगर वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करोगे तो काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा और नाइट में भी आपको टॉप नॉच परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो कैमरा के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा भी इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच देखने को मिलता है। बाकी इसमें आपको बैटरी भी तगड़ा देखने को मिलता है दोस्तों, तो 6000 mAh का बैटरी मिल जाएगा और 15W फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो 2-2.5 घंटा में यह स्मार्टफोन इजिली फुल चार्ज हो जाएगा और आप अगर कंटेंट वगैरह वॉचिंग करते हो तो अप टू टू डे बैटरी बैकअप इजिली देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बाकी अगर आप फोन वगैरह ज़्यादा यूज करोगे, गेम वगैरह ज़्यादा खेलोगे तो भी अप टू 1 डे बैटरी बैकअप इजिली देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इसका बेस वेरिएंट आपको 4+64 12,000 में मिल जाएगा दोस्तों और 4+128 14,500 का बजट रेंज में मिल जाएगा दोस्तों। अप टू 1000 टू 2000 आपको बैंक डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो ओवरऑल जिसको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए दोस्तों अंडर 10,000 का, तो वो ये स्मार्टफोन को परचेज कर सकता है दोस्तों, क्योंकि इसमें सारा कुछ टॉप नॉच देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले भी आपको टॉप नॉच मिल जाएगा, प्रोसेसर भी आपको टॉप नॉच देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल सारा कुछ इस स्मार्टफोन में आपको टॉप नॉच देखने को मिल जाएगा दोस्तों। डिस्प्ले के मामले में तो कोई डाउट है ही नहीं, बाकी प्रोसेसर वगैरह सब तगड़ा आपको देखने को मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले स्मार्टफोन के टॉप 3 के। तो टॉप 3 पे जो स्मार्टफोन है दोस्तों मोटोरोला की तरफ से है, जो कि अब Moto G31 दोस्तों। इसका भी अगर मेन फीचर्स की बात कर लेते तो इसमें आपको 6.4 इंच का फुल एचडी का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, उसके साथ साथ 60 हर्ट्ज का एक नॉर्मल रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, 8.5mm ये फ़ोन पतला है दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा पतला स्मार्टफोन है। बाकी अगर इसका हम परफॉर्मेंस की बात कर लेते तो इसमें आपको MediaTek का हेलियो G88 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, उसके साथ साथ आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बाकी इसका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच है, डिस्प्ले भी काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच है दोस्तों। अगर इसका हम कैमरा की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसमें से मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो फोटो देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बैक कैमरा से आप फुल एचडी में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और सेल्फी में आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा और सेल्फी कैमरा से भी आप अच्छे तरीके से फोटो और वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी 5000 mAh का बैटरी मिल जाएगा, उसके साथ साथ 20W का फास्ट चार्जर इनबॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसका भी हम बेस वेरिएंट की बात कर लेते हैं। तो 4+64 आपको 10,500 में आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप चेकआउट कर सकते हो। तो जिसको मोटो का एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए दोस्तों कंटेंट वॉचिंग वगैरह के लिए, तो वो ये स्मार्टफोन को परचेज कर सकता है। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ये स्मार्टफोन रहेगा दोस्तों। बाकी चलिए बढ़ते हैं अगले स्मार्टफोन की तरफ। तो टॉप 2 पे जो स्मार्टफोन है दोस्तों वो है रेडमी की तरफ से Redmi 10। तो इसका भी अगर हम फीचर्स की बात कर लेते तो ये स्मार्टफोन फुल्ली पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है, तो प्लास्टिक का बॉडी और प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिल जाएगा। बाकी 9.1mm इस फोन का थिकनेस और 203g इस फोन का वेट है दोस्तों, तो काफ़ी भारी फोन है दोस्तों। इसमें भी आपको 6000 mAh का बैटरी मिलता है, इसलिए थोड़ा भारी स्मार्टफोन है। बाकी डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिल जाएगा, सिंगल बॉटम स्पीकर देखने को मिल जाएगा, उसके साथ साथ रियर फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 पे रन करता है बेस्ट ऑन MIUI 13। बाकी इसका अगर मेन फीचर्स की बात कर लेते तो 6.7 इंच का HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, 60 हर्ट्ज का एक नॉर्मल रिफ्रेश रेट मिल जाएगा और 120
20 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। वाइड वन सर्टिफाइड है, अप टू 480 निट्स का इसमें आपको पिक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा और COG3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप बाहर वगैरह में फोन वगैरह यूज करोगे तो ब्राइटनेस का तो दिक्कत होने वाला है नहीं, क्योंकि 480 का इसमें आपको ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा दोस्तों निट्स का। बाकी अगर इसका हम बैटरी की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 6000 mAh का बैटरी मिल जाएगा और 18 वाट फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। दो ढाई घंटा में यह स्मार्टफोन इजीली फुल चार्ज हो जाएगा और अप टू 2 डे इस फोन का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बाकी अगर इसका हम परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको परफॉर्मेंस भी काफ़ी तगड़ा लेवल का देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 680 का प्रोसेसर लगा हुआ है दोस्तों इस स्मार्टफोन में, जो कि 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है। 2 लाख इस फोन का M.2 स्कोर है, UFS 2.2 का स्टोरेज दिया हुआ है, LPDDR4X रैम दिया हुआ है दोस्तों और अप टू 2 GB वर्चुअल रैम आप बढ़ा सकते हो। गेमिंग के लिए ये स्मार्टफोन तो काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच होने वाला है दोस्तों। तो आप अगर अंडर 10,000 का एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हो तो ये स्मार्टफोन आप देख सकते हो। इसका हम अगर कैमरा की बात कर लेते तो इस स्मार्टफोन में 2 रियल कैमरा के साथ ये स्मार्टफोन आता है, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50 MP का जिसमें सेंसर लगा हुआ है सैमसंग का JN1 और दूसरा कैमरा आपको मिल जाएगा 2 MP का, जो कि डेप्थ सेंसर है दोस्तों। तो बैक कैमरा से आप फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पे। बाकी सेल्फी में आपको 5 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा दोस्तों, विनोज के साथ सेल्फी कैमरा आता है जिससे आप 1080p पर 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ओवरऑल कैमरा के मामले में भी ठीक ठाक स्मार्टफोन है। बाकी अगर इसका हम प्राइस की बात कर लेते हैं तो 4+64 आपको 10,000 में मिल जाएगा और 6+128 12,000 के बजट रेंज में आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो आपको अगर डेली यूजेस के लिए, कंटेंट वाचिंग के लिए या फिर अच्छा कैमरा के लिए अगर स्मार्टफोन चाहिए तो आप ये स्मार्टफोन ले सकते हो। बाकी इसमें गेमिंग परफॉर्मेंस तो तगड़ा दिया हुआ है ही दोस्तों। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हो दोस्तों। तो गेमिंग के लिए अगर आपको चाहिए अंडर 10,000 का तो वो स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट है, आप चाहे तो उस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हो Redmi 10 को दोस्तों। बाकी चलिए करते हो टॉप 1 के स्मार्टफोन की बात। तो टॉप 1 पे जो स्मार्टफोन है दोस्तों वो Realme की तरफ से आने वाला स्मार्टफोन है, जो कि Realme Narzo 54G स्मार्टफोन दोस्तों। तो इसका भी अगर हम फीचर्स की बात कर लेते हैं तो ये भी फुली पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है दोस्तों। मीन प्लास्टिक का बॉडी और प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिल जाएगा। 3.5 mm का जैक भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों इस स्मार्टफोन में और 8.5 mm थिकनेस ये स्मार्टफोन है दोस्तों। तो काफ़ी पतला फोन है। बाकी 194 ग्राम इस फोन का वेट है तो हल्का भारी स्मार्टफोन है दोस्तों। बाकी साइड मोटेन फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। तो मेन फीचर्स की बात कर ले दोस्तों तो इसमें आपको 6.6 इंच का फुल HD+IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और 120Hz का एक फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ 180 का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो नॉर्मली दोस्तों 10,000 का अंडर का में ये डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच है। बाकी इस फोन का अगर परफॉर्मेंस की बात कर लेते तो इसमें आपको MediaTek का Helio G96 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 मिल जाएगा बेस्ट ऑन Realme UI 2.0। तो ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी तगड़ा है दोस्तों। आप नॉर्मल लेवल का भी गेम खेल सकते हो और थोड़ा बहुत हाई लेवल का भी गेम इजीली खेल सकते हो दोस्तों, क्योंकि G96 का प्रोसेसर काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर होता है दोस्तों। बाकी अगर इस स्मार्टफोन की कैमरा की बात कर लेते हैं तो ये स्मार्टफोन 3x रियर कैमरा के साथ आता है दोस्तों, जिसमें से 50 MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा, मेन कैमरा और 2 MP का मैक्रो फोटो और 2 MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा और बैक कैमरा से आप 1080p पर 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी सेल्फी में आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अगर इस स्मार्टफोन का बैटरी की बात कर लेते हैं तो 5000 mAh का बैटरी मिल जाएगा, 33 वाट फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो 50-60 मिनट का ये स्मार्टफोन फुल चार्ज हो जाएगा और अप टू 1 डे बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बाकी इस फोन का अगर प्राइस की बात कर लेते हैं तो 4+64 आपको 10,999 की प्राइस रेंज में मिल जाएगी। तो आपको एक अगर बजट रेंज का अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो आप Realme का Narzo 54G आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें सारा कुछ अच्छा दिया हुआ है दोस्तों। बाकी सारा फोन बेस्ट है तो आपके नीड पर डिपेंड करता कि आपको कौन सा किस चीज़ के लिए फ़ोन चाहिए। तो सारा फोन अंडर 10,000 का था तो इसमें से आप कौन सा फ़ोन परचेज़ करने वाले हो दोस्तों आप हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी आपका अगर कोई सवाल है तो आप हमें कॉमेंट में कर सकते हो दोस्तों, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। बाकी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।